आपके आदेश अनुसार मैंने ताप बढ़ा दिया है, किंतु अब मुझे महादेव की चिंता सताने लगी है। क्या हुआ महादेव? इंद्र ने फिर से हस्तक्षेप किया है। उसने छल के सहारे पार्वती की अग्नि तपस्या की अवधि कम करने हेतु अग्नि का तप बढ़ा दिया है। देवराज को इतना बोध होना चाहिए कि ऐसा करने से पार्वती का हित हो सकता है। प्रभु, मैं अभी जाकर माता को अग्नि तपस्या के कुप्रभाव से बचा लेता हूं। नहीं नंदी, देवराज को इसका दंड मिलना ही चाहिए। अपनी पुनर्वृत्ति और अपनी त्रुटियों का दंड, अपने देवराज होने के अहंकार का दंड। यह सर्वथा अनुचित है देवराज, इस अनर्थ को शीघ्र ही रोकिए। रोकिए देवराज इंद्र। हमारा निर्णय कतई विचाराधीन नहीं होता है पवन देव। या तो पार्वती को अपने ही तप की उष्मा में भस्म होना होगा, या फिर उन्हें अपनी तपस्या अति शीघ्र पूर्ण करनी होगी। मर्यादा का उल्लंघन किया है देवराज। मेरे और आदिशक्ति के मौलिक संबंध को छल के सहारे अपने स्वार्थ अनुसार संपादित करने का प्रयत्न किया है। इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। महादेव, हमने जो किया वो केवल सृष्टि के कल्याण हेतु ही किया। यदि हमने माता पार्वती की तपस्या के अवरोध में थोड़ी सी वृद्धि की, तो वो उनकी तपस्या के शीघ्र समाप्ति हेतु थी, जिससे आप दोनों का विवाह हो सके और आपके पुत्र द्वारा तारकासुर का वध किया जा सके। इसमें आपको हमारा स्वार्थ कहां से दिख रहा है महादेव? स्वार्थ है इंद्रदेव, आपको पुनः अपने सिंहासन के आधिपत्य का स्वार्थ है। देवराज होते हुए भी आपने एक बार भी यह जानना उचित नहीं समझा कि आदि शक्ति की उत्पत्ति आपके या देवताओं द्वारा कृत्रिम प्रणाली से कतई संभव नहीं हुई है। पार्वती को अपने निर्धारित समय में एक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए मुझ तक पहुंचना आपकी अधीरता संसार का हित नहीं अहित कर रही है। पार्वती को कष्ट देने का दंड आपको अवश्य मिलेगा। अहंकार से परिपूर्ण आपके अस्तित्व को मिटना ही होगा। रुक जाइए महादेव, आपके द्वारा देवताओं के राजा का वध अशोभनीय है महादेव, अशोभनीय। देवताओं के राजा का आदिशक्ति के आगमन में हस्तक्षेप, क्या यह उचित है ब्रह्मदेव? आज तक जो त्रुटि देवताओं से हुई, मैं उन सभी की ओर क्षमा प्रार्थी हूं महादेव, और मैं आपको यह वचन भी देता हूं कि आपके और आदि शक्ति के मध्य कोई भी किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। आप तो सबसे कृपालु, सबसे दयालु है महादेव। महादेव कृपया
इंद्र को प्राणदान दे दीजिए। मुझे आपका निवेदन मान्य है ब्रह्मदेव, किंतु इंद्र को इसका दंड अवश्य मिलेगा। आज के पश्चात इंद्र देवराज के पद के योग्य नहीं है। नंदी, देवताओं की स्कृत के पश्चात स्थान की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। पार्वती की तपस्या पूर्ण होने तक यहां सबका प्रवेश वर्जित है।